ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी के राष्ट्र प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में ये कहा गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल के प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा, ब्लॉक की मुख्य इकाई के साथ सभी मोर्चों एवं प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। उत्कर्ष, कल अनुप्रिया पटेल ने भी कमोबेश यही कदम उठाया था, अब ओपी राजभर भी यही कर रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? वहीं से मैं चाह रहा था कि हम इसको शुरू करें। कल भी जवाब में वरुण मैंने एक बात कही थी, बात ये थी कि देखिए दो सीटें अपना दल सोनेलाल जो अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक दल है, उनकी पार्टी है, उसको लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी। एक थी मिर्जापुर जहां से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही थी, दूसरी थी रॉबर्ट्सगंज जहां से उन्होंने उम्मीदवार उतारा था। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल इसको हार मिली। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि पार्टी में भीतर घात से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के प्रचार ना करने, प्रचार में सहयोग ना करने, कई तरीके के विरोधाभासी कमेंट के आने और उसके बाद एक तरीके से मान लेना कि हम चुनाव जीत जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमको चुनाव लड़ा देगा, रॉबर्ट्सगंज में जोर लगा रहा था और वो जोर नहीं लगा। वैसी शिकायतें भी मिली अनुप्रिया पटेल के पास, तो उनको लगा कि अलग अलग इकाइयां, क्योंकि हर एक इकाई, हर एक प्रकोष्ठ को जब ये कह दिया गया हो कि दो सीटें हैं, एक जगह पर खुद सबसे बड़ा नेता है तो दूसरे पर जोर लगाइए और दूसरे पर वो ताकत ना दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल नाराज थे और इस कारण से उन्होंने तमाम प्रदेश इकाइयों को भंग कर दिया और वो उसका नए सिरे से गठन करना चाहती है ताकि अब उन लोगों को, जिन लोगों ने अगर मेहनत की, जो थोड़ी बहुत मेहनत की गई, तो उनको रिवॉर्ड मिल सके। तो ये एडजस्टमेंट की बात नहीं, वो नए सिरे से बनाना चाहती है और भंग करने का उद्देश्य यही कि उसमें जो मौजूदा व्यक्ति है या कार्यकारिणी वो नहीं होगी। होता क्या है कि अगर सिस्टम में मान लीजिए दो तीन लोगों को सेट करें तो पूरा सिस्टम बदलना आसान नहीं होता, भले ही आप उस पार्टी के सर्वेसर्व अध्यक्ष क्यों ना हो, लेकिन जो इकाइयां हैं उनका काम करने का जो तरीका है, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो नहीं हो तो नाराजगी अगर है तो सार्वजनिक तौर पर दिखनी चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर या उनकी पार्टी सुभाषपा पर आ जाते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर, उनकी तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई और उसके बाद पार्टी में जुड़े जो, मैं मतलब आपको बहुत सीधा सीधा कहूँ तो शीर्षस्थ सूत्र जो है, जो कि परिवार का हिस्सा है, जो किस पूरे चुनाव को या पार्टी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव श्रेणी के नेता हैं, अब कहें तो मैं नाम भी ले दूं, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी और उनसे जब बात हुई तो मैंने पूछा कि इस चिट्ठी को या फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि ये बड़ा एक्शन है। और बड़ा एक्शन है मतलब एकलौती सीट सुभाषपा को मिली, खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं वो ये चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। तो ये नाराजगी उस हद की है कि देखिए आप लोगों को, और ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस चीज की सियासत करते हैं वो ये बताते हैं, ये दावा करते हैं कि उनके पास राजभर वोट बैंक उनके साथ रहता है, इंटैक्ट होता है, वो नहीं टूटता, वो दूर नहीं जाता, वो छिटकता नहीं है। अगर उस एक सीट पर, और जो हर एक सीट के बारे में एक जानकारी सामने आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए गठबंधन का जो परंपरागत वोट बैंक है जिसमें पिछड़े या एससी भी काफी संख्या में है, अगर वो छटका है, वो दूर हुआ है और ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके की सियासत करते हैं और सियासत को कर करके उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग देखिए कि जब वो भाजपा का हिस्सा नहीं होते तो अखिलेश यादव का हिस्सा होते हैं, उससे पहले खुद ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी या फिर उस पूरे मूवमेंट के साथ रहे हैं, जिस हिस्से की राजनीति करते करते उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी से वो सब तक बार्गेनिंग करने में कामयाब हो पाए कि वो अपने ही सिंबल पर, मतलब उनकी हालत वैसी नहीं हुई जैसे हमने देखा कि निशान पार्टी के साथ हुई कि भाई उम्मीदवार कहीं और से और सिंबल कहीं और से, लेकिन वो अपने ही सिंबल पर, छड़ी निशान चिन्ह पर चुनाव लड़े और खुद उनके बेटे उम्मीदवार बने, पार्टी में उनका बड़ा कद है और अगर पार्टी नहीं जीत पाई तो जैसा मैंने आपको कहा कि उस शीर्ष सूत्र ने जो मुझे कहा कि उत्कर्ष ये बड़ा एक्शन है और यही उनकी लाइन थी, उसके बाद मैं उसको समझना चाह रहा था कि तमाम इकाइयों का मतलब, तो कमोबेश फैसला वही है कि सारी इकाइयां, मतलब सारी इकाइयां जिन लोगों की जिम्मेदारी उस चुनाव में कैंपेन करने की थी, वोटरों को घरों से निकालकर वोट डलवाने की थी, वोटरों को जोड़ने की थी, नए लोगों को लाने की थी, महिला मोर्चा या महिला इकाइयां हैं तो उनकी वो महिला वोटरों को निकालने की बात थी, युवा मोर्चा हो या युवा इकाइयां हो उनकी, तो जो अलग अलग संगठन होते हैं उनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, वो अगर नाकाम रहे, देखिए परिणाम से सब कुछ तय होता है और अगर वो उस सीट को जीत जाते और ऐसी परिस्थिति में जैसा परिणाम आया वरुण, तो आप खुद सोचिए जहां भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर रुकी है वहां पर अगर ओम प्रकाश राजभर अपना 100% स्ट्राइक रेट दिखाते एक सीट की एक सीट, तो कह पाते ना कि मेरे पास तो मेरी बिरादरी का या मेरे तबके का वोट इंटैक्ट रहा,
छिटका भाजपा से है, लेकिन अभी तो वो तस्वीर पूरी एक जैसी होगी सबके लिए एनडीए में जो जो शामिल है कि सबसे वोट बैंक छिटक गया। एक अगर हम जयंत चौधरी को हटा दें, जयंत चौधरी का रिजल्ट इस मामले में बेहतर है एनडीए के घटक दलों में, लेकिन चाहे वो अपना दल की बात कर लें, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, चाहे निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे हम भाजपा की खुद की बात कर लें, तो वहां पर जो गड़बड़ी हुई है ओम प्रकाश राजभर या उनकी पार्टी में भी जो फैसला हुआ है सीधा सीधा वही शब्द, ये एक एक्शन है, पार्टी में एक्शन लिया गया है और पार्टी में काफी कुछ सुधार की और नए सिरे से अभी जो तमाम इकाइयां बनेगी ना ये नए सिरे से बनेंगी। इस बारे में मुझे जानकारी दे दी गई कि ऐसा नहीं है कि जो बैठा था वही बैठा रहेगा और हम बस मतलब बंद करके उन्हीं इकाइयों को फिर से गठित कर देंगे। नए सिरे से गठन का मतलब है कि तमाम इकाइयों में अब नए चेहरे और कम से कम उन इकाइयों की कमान नए चेहरों के हाथ पर होगी। तो जब आप बड़ा अध्यक्ष बदलते हैं तो उनको फ्री हैंड देने के लिए पूरी इकाइयों को बंद किया जाता है। मतलब मैंने पूछा कि आप ये भी कर सकते थे कि आप अलग अलग इकाइयों के अध्यक्षों को बदल लेते, उन पर जो जिम्मेदार है उनको बदल लेते, तो कहा गया कि नहीं, अगर मान लीजिए उत्कृष्ट चतुर्वेदी को इकाई का अध्यक्ष बनाना है तो उत्कृष्ट को बनाने के बाद उत्कृष्ट तय करेगी इकाई में कौन कौन चाहिए, कुछ हद तक फ्री हैंड भी देना है और इसीलिए जो व्यक्ति आए वो अपनी अपनी टीम बना सके पार्टी के अंदर, इसलिए पूरी पूरी इकाइयों को भंग करने का फैसला किया गया है। लेकिन ये फैसला चुनावी हार की वजह से है, चुनावी हार में हो जाने से पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है वो अपने अपने संगठन और अपनी अपनी इकाइयों के काम करने के तरीके से खुश नहीं है, नाराजगी है और नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर दिखाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न